नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय यादव, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, वर्किंग इन मणिपाल हॉस्पिटल एज ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम लोग कैंसर के लिए हर एक इंसान को या हर एक आदमी को इस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं कि कैंसर से कैसे बचें, कैंसर अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनको कैसे पकड़ें और कैसे जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट करवाएं। इस दिन के ऊपर मैं आप सब लोगों को एक ही अवेयरनेस टॉक देना चाहूँगा कि आप कोई भी परिवार में अगर किसी को या तो कैंसर के बारे में पता है या आपको ऐसा लगता है कि इनको कैंसर हो सकता है तो उसका तुरंत निदान करा के उसका उपचार कराएं। वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में समस्त हॉस्पिटल में जो अपने एरिया में या अपने जयपुर में हैं उनमें हम कई तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। हम मणिपाल हॉस्पिटल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स को काफ़ी तरीके से मनाते हैं। जैसे हम लोग कुछ हेल्थ अवेयरनेस टॉक्स देते हैं, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं जिनके अंदर हम अवेयरनेस टॉक के साथ में जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको बुलाते हैं और जो समाज को जिस तरह से हम लोग कुछ भी अवेयरनेस कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को इस दिन पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे परिवार में या हमारे सगे संबंधियों में किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम है जो कि कैंसर हो सकते हैं या आपको लगता है तो कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी दिखा के उसका निदान करवाएं। कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से घबराना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट और इसका इलाज ही एकमात्र इसका इससे बचने का तरीका है। इसको अवॉइड नहीं कर सकते, प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं बट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक बार होने के बाद में इसका ट्रीटमेंट ही हमारा साथी होता है। सो मैं आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसे मुंह में छाले होते हैं जो बहुत दिन से हैं, जिनमें दर्द नहीं हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। गले में आवाज़ में कोई बदलाव हो, खाने में कोई तकलीफ हो तो तुरंत दिखाएं। कोई भी तरह की स्वेलिंग जो चेहरे पे हो गई हो, जैसे गर्दन में गिठान होती है या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो कि आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल स्वेलिंग गांठ जो भी गले में दिखाई देती हो तो तुरंत दिखाएं। अगर हम नीचे आते हैं तो जैसे छाती में कोई गांठ हो, महिलाओं में कोई स्तन में कोई गांठ हो तो तुरंत उसका निदान करवाएं। पेट में बार बार दर्द रह रहा हो, कोई गांठ हो गई हो, बार बार नियमित जो शौच जाने की प्रॉब्लम हो, कोई लैट्रिन में या पेशाब में खून आ रहा हो, पेशाब में बार बार जाना पड़ रहा हो या कोई ऐसी तकलीफ हो जिसमें पेशाब जाने में कोई तकलीफ हो रही हो, इस तरह की कोई भी तकलीफ आपको अगर हो रही हो तो कृपया करके उसके बारे में चेक करा के ये जरूर ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ या कैंसर के लक्षण तो नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम कैंसर के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क नहीं करेंगे तब तक हम इसको चेक करके और इसका निदान नहीं कर सकते हैं। कैंसर के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा साथी होता है वो एक ही होता है, वो है शीघ्र निदान। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अगर कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं तो इसका उपचार संपूर्ण होता है, अदरवाइज़ फिर कैंसर जैसा सब बोलते हैं, कैंसर मतलब कैंसर। लेकिन आज की जो नई पद्धतियां हैं और निदान करने के जो तरीके हैं अगर उनका हम उपयोग करते हैं तो कैंसर को जल्दी पकड़ के और उसका उपचार कर सकते हैं। तो हमारी जागरूकता, हमारी सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कृपया करके वर्ल्ड कैंसर डे पे सब लोगों को मैं एक ही चीज़ करना चाहूँगा, इसके प्रति जागरूक हों और इसको छुपाए बिना कृपया करके बताएं और अपने परिवार अपने सगे संबंधियों की जान बचाएं। कैंसर को कभी ना समझें कि ये मौत का दूसरा नाम है। आजकल जो नई पद्धतियाँ और जो नए ट्रीटमेंट अवेलेबल हुए हैं इनसे हम कैंसर का पूरा उपचार कर सकते हैं और बहुत सारे मरीज होते हैं जो कि ठीक होके घर जाते हैं और लंबी ज़िंदगी जीते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस दौरान जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हम कैंसर सर्वाइवर्स को भी बुलाते हैं। कैंसर सर्वाइवर का मतलब यही होता है जो कैंसर से जीत के, उसको हरा के और अभी तक अपने जीवन में नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, उनको देख के हम थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं कि कैंसर से जीवन जाना जरूरी नहीं है, हम उसको बचा सकते हैं अगर हम उसका शीघ्र निदान करवा लें। तो कृपया करके इस चीज़ का, इस कम से कम इस वर्ल्ड कैंसर डे पे अपने किसी भी प्रकार के रोग का जो कि आपको मन में ये शंका पैदा करता हो कि ये कैंसर नहीं होता, उसको कृपया करके दिखा के और उसका निदान करवाएं।